हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्ले स्टोर के अंदर जो आपको यहां पे ऑटो एप्स अपडेट की एक सेटिंग देखने को मिलती है ऑटो अपडेट एप्स की, तो इसे आप कैसे यूज करोगे और इसे प्ले स्टोर के अंदर क्या काम होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। अब आपको कनेक्ट है थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से देखने को मिलेगा सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट एस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखने को मिलेगा आवर ओनली और नेटवर्क और यहाँ से आवर ओनली वाईफाई और यहाँ से डू नॉट ऑटो एप्स अपडेट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। पहले का मतलब यह है कि यानी कि अब आपका मोबाइल फोन चाहे वाईफाई से कनेक्ट हो या आपके मोबाइल नेटवर्क से यानी कि डाटा से कनेक्ट होगा तो दोस्तों यहाँ से प्ले स्टोर के अंदर जितने भी आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और उनके अंदर कोई भी अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक यहां से अपडेट हो जाएंगे। इससे आपका डाटा भी खत्म होता रहता है और आपका मोबाइल फोन भी गर्म रहता है क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि प्ले स्टोर के अंदर किस एप्लीकेशन के अंदर किस एप्स के अंदर अपडेट आ चुका है और वह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है रात में आ जाए, हो सकता है दिन में आ जाए, हो सकता है आपके मोबाइल फोन आपका उस वक्त आपके पास ना हो तब भी आ सकता है। तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको यह वाला ऑप्शन, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। यहां से देखने को मिलेगा वाईफाई ओनली यानी कि जब आपका मोबाइल फोन वाईफाई से कनेक्ट हो तभी आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन हैं और उनके अंदर अपडेट आया है तभी वे अपडेट हो, तो यहां से आप सेकंड वाला सेटिंग यूज कर सकते हो। यहां से देखने को मिलेगा डू नॉट अपडो एस अपडेट यानी कि इससे क्या होता है, इसे अगर आप क्लिक कर देते हो, जैसे मैं यहां पे क्लिक करके रखता हूं, इससे यह होता है कि आप प्ले स्टोर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो हमने इंस्टॉल करके रखी है उसके अंदर कोई भी अपडेट आता है तो वह ऑटो अपडेट नहीं होगा जब तक हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। तो आपको यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इससे तो आपका डाटा भी बचेगा, आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करेगा, आपका मोबाइल फोन गर्म भी नहीं होगा क्योंकि प्ले स्टोर से ही आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर कभी ना तो कभी अपडेट आता ही रहता है, तो उसे आप अपडेट कर सकते हो। आपको तीनों पे क्लिक करना, यहां से देखने को मिलेगा माय एप्स, आपको इस पे क्लिक करना और यहां से देखने को मिलेगा अपडेट का ऑप्शन, तो यहां से आपके सारे के सारे एप्स अपडेट वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास बहुत सारे एप्स अपडेट करने को कह रहे हैं और ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होते क्योंकि मैंने यहां पर वो सेटिंग बंद करके रखा हूं, जब मैं इसे अपडेट करूंगा तभी यह अपडेट होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारा फेसबुक यहां पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो अपने प्ले स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।